भारी संख्या इससे पूर्व में भी 2014 के बाद लगातार हर एक साल दिसंबर का मनाने लगती है। जो अभी जो वर्तमान में जो युवा अपने घर मकान कई किलोमीटर जो चल करके दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँची है, सरकार का एक बयान से वह भड़क उठी है। अभी जो बेरोजगारी का जो रेशियो आया है 2014 में 1.2 का बेरोजगारी का जनसंख्या था, आज देश के अंदर में 6.2 का बेरोजगारी का दर बढ़ चुका। उसके बाद सरकार कहती है कि देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है, अगर बेरोजगारी रहता तो युवा रोड पर नजर आता। तो मैं उस सरकार को इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप आँख खोल के देखिए कि देश के अंदर में बेरोजगारी क्या, और बेरोजगारी हुआ भी कौन लोग जो डबल स्किल बेरोजगारी हुआ है, जेल के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है और सरकार से लगातार अपनी रोजी रोटी को लेकर के मांग कर रही है। लेकिन सरकार एक ऐसी योजना बनाई जिससे कि युवाओं को रोजगार नहीं दे करके रिटायरमेंट कर्मचारी को रोजगार पर रख दिया गया, जिससे कि सरकार के विरुद्ध में युवाओं का आक्रोश है। और अभी एक सरकार का बयान आया क्या देश के अंदर में बेरोजगारी नहीं है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश अगर बेरोजगारी नहीं है तो ये युवा लोग कौन है? मोदी जी हर एक भाषण में कहते हैं कि हमारे साथ में 125 करोड़ देश की जनता हमारे साथ खड़ा है। मोदी जी ये भ्रम छोड़ दें, 2014 का जो आपको एक विकास करने के लिए जो जनता वोट दी थी, आज वह बड़े खेमे का लोग युवा वर्ग आपसे नाराज है। यह जंतर मंतर पर आप अपने विजिलेंस के माध्यम से पता लगा करके देख सकते हैं। यह कई जोन में हो रही है, कुछ टीम जंतर मंतर में पहुंची है, सभी अपने अपने जोन में कर रही है। यही और हम लोग का मांग है कि एक्ट अप्रेंटिसों को डायरेक्ट बहाल किया जाए, 20% का कोटा को रद्द किया जाए। जो भी परिवार का लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर लिया अप्रेंटिस में, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। और वर्तमान में जो किसान को 6000 भत्ता दिया गया है, तो उस तरह से स्किल्ड बेरोजगार को 10000 बेरोजगारी भत्ता कम से कम दिया जाए। धन्यवाद। इसी बातों के साथ में और सरकार अगर हम लोग को जवाब सही रूप से नहीं देती है तो दिल्ली प्रशासन को केंद्र प्रशासन बल समस्या स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। दिल्ली का जंतर मंतर को तरीके से हम लोग को रोक नहीं सकता। विकास योजना के तहत में सरकार करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा की है, लेकिन हम कहते हैं कौशल विकास की योजना के तहत में कितने लोग को रोजगार मिला? अगर रोजगार मिलता है तो ये लोग नौजवान डबल स्किल्ड बेरोजगार युवा आज जंतर मंतर का रोड पे नहीं बैठता। ये सरकार को देखना होगा। हम लोग मांग करते हैं, पीयूष गोयल जी बोलते हैं रेलवे में प्रशिक्षण प्राप्त युवा अनस्किल्ड है, इसका दोषी कौन हो सकता है? आप ट्रेनिंग करवाते हैं, अधिकारी ट्रेनिंग करवाता है, उसका एग्जाम अधिकारी देती है, श्रम मंत्रालय से उसका प्रमाण किया जाता है, ये कि छात्र होनहार छात्र पास किया, आप रेल मंत्री बोलता है ये अनस्किल्ड है, ये कैसा देश में सरकार चल रही है? तो हम लोग का साफ में बेरोजगारी दूर नहीं होगी, एक्ट अप्रेंटिसों को रोजगार नहीं मिलेगा, आंदोलन बड़ा रूप में खड़ा हो चुका है। सरकार को 2019 में एक बड़े खेमे का लोग हम लोग नुकसान पहुंचा दें। सरकार आपकी जैसे मांगे पूरी नहीं करेंगी तो करेगी तो आपके आप इस विषय में क्या विरोध करेंगे? विरोध रेल भवन को भी घेर सकते हैं और हम लोग 144 धारा तोड़ करके सरकार अपने तरफ से गोली चलाएगी, हम लोग गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, या मरने या मिटने के बराबर में सरकार ला करके खड़ा कर दिए। सरकार को समझना होगा, देश का युवा किसी गलत रास्ता पर पकड़ने का कोशिश कर रहा है और वह सरकार का नियत के कारण से मरने पर मजबूर हो रहा है। ज्ञापन पूर्व में रेल मंत्री को मिल चुका है, मुंबई में बड़ा भीषण आंदोलन अप्रेंटिस का हो चुका है, सरकार के पास में इस मुद्दा को लेकर के चर्चा हो चुकी है, लेकिन नियत साफ नहीं है। रोजगार का संज्ञान नहीं ली है, रोजगार के मैटर पर बात देश के अंदर में करना नहीं चाहती है, बेरोजगार युवाओं को दरकिनार करना चाहती है, जिसके लेकर के बेरोजगार युवाओं के अंदर में आक्रोश है। लास्ट में क्या अपील करेंगे? लास्ट में अपील करेंगे, सरकार से भी अपील करेंगे, जो 125 करोड़ जनता की बात करती है कि वो आपके साथ में है, तो हम लोग आपके बड़े खेमे में साथ तो 2014 में थे, लेकिन आपका बंदा होने के बाद भी आज नाराज होने करने के बाद हम लोग आपको 2019 में नुकसान करेंगे।